सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी जो हमारा ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ था तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल कर रहे थे कि सर इसका तो कहीं पता ही नहीं चला, ना ही कोई खबर, ना ही कोई लॉन्चिंग की किस तरीके से एक सेलिब्रेशन होता है, वो सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ था। और जैसा कि पहले कभी एस मुफारिस सर ने बताया था कि ओ मीडिया डिपार्टमेंट एंड एआई टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट ये मिलकर के एक इवेंट का एक आयोजन कर रही है, तो वो भी नहीं हुआ, तभी हमारा ओ कनेक्ट जो लॉन्च होगा। तो यहां पर बहुत सारे जो सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब अब जो हम लोगों को मिलने वाले हैं। अभी हमने एक तारीख से अपना जो ओ कनेक्ट है उसको खरीदना शुरू कर दिया, लोगों ने उसकी खरीदारी शुरू कर दी और उसको यूज करना भी शुरू कर दिया। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म जो जूम मीटिंग पे हुआ करते थे वो अब धीरे धीरे करके अब पूरी तरीके से रिप्लेस होते जा रहे हैं अपने ओ कनेक्ट के मीटिंग के ऊपर। सो यहां पे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि यहां पे हमारा जो ओ कनेक्ट है अब ऑफिशियली ग्लोबली लॉन्च होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब यहां पे एक चीज ये आती है कि अभी तक जो है इसको ग्लोबली लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट था वो क्यों नहीं किया गया अभी तक। उसको बुर्ज खलीफा के ऊपर जो अभी हमारा शेड्यूल बन चुका है, पूरा शेड्यूल और डेट एंड टाइम पूरी तरीके से सेट हो चुका है, तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और हम सब लोगों को भी, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो आपको जो है एक अच्छा खासा सेमिनार करके उसको आप अच्छा खासा एक सेमिनार करिए, लोगों को बुलाइए और उसके बाद आप उसको लॉन्च कर दीजिए। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसका इस तरीके से लॉन्च नहीं होता है जिस तरीके से कोई फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च होता है। इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली चीज तो यह है कि जब 1 सितंबर को जब हमारा ओ कनेक्ट हम सब लोगों के बीच में आया एज ए पेड प्रोडक्ट, हम सब लोगों के बीच में आया, हम लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे आपको पता है कि एकदम से कितनी ज्यादा भीड़, कितना ज्यादा ट्रैफिक उसको लेने के लिए जो है तैयार था, कितना ज्यादा लोड उस वेबसाइट के ऊपर बढ़ गया था, कितना ज्यादा एकदम से ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आ गया था। और ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे उस वेबसाइट को हैंग भी कर देती हैं, उसके जो सिस्टम होता है उसको स्लो भी कर देती हैं। और एस सर ने ये भी बताया था कि इसलिए हमने सिस्टम को जो है और ज्यादा स्लो कर दिया ताकि जो यहां पे ट्रैफिक आ रहा है वो धीरे धीरे करके आए। अगर एकदम से ट्रैफिक आ जाएगा तो सर्वर डाउन होने की जो समस्या होती है वो भी पैदा हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जो कि किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को एक साथ लॉन्च करने पर जो है आ जाती है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन अभी और क्या है, अभी तो सिर्फ हम फाउंडिंग मेंबर थे लेकिन इसके अलावा अभी तो पूरी पब्लिक भी आने वाली है, पूरी दुनिया यहां पे आने वाली है। अगर इसको एक साथ ही ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाता तो आपको पता है कि यहां पे जो हमारे मार्केट के जो भी बहुत सारे लोग जो फ्री में रजिस्ट्रेशन करके बैठ चुके हैं, यानी कि हमारे जो कस्टमर बन चुके हैं, वो भी यहां पर आ जाते, तो आखिर उनके आने के बाद फिर हमारे सर्वर का क्या हाल होता। तो यहां पर इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया और एक चीज को स्टेबल होने तक इंतजार किया गया, वो था हमारे सिस्टम का स्टेबिलिटी। अगर हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाता है, अगर उसके बाद हम इसको लॉन्च करते हैं तो उसके बाद इसका मजा ही कुछ और होता है। तो हमारा सिस्टम जो है अब पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है और इसीलिए एस मुफारिस सर ने अपने उस यूट्यूब चैनल के हमारा जो कंपनी का यूट्यूब चैनल है उस पर पूरी तरीके से प्रोग्राम को पूरी तरीके से शेड्यूल कर दिया है। कल रात को 10:25 पर हमारा जो बुर्ज खलीफा के ऊपर जो शो होने जा रहा है उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा ओ कनेक्ट पब्लिकली लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, पब्लिकली लॉन्च हो रहा है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम बुर्ज खलीफा ऑन पैसिव रिलीज ओ कनेक्ट, ऑन पैसिव रिलीज ओ कनेक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है ओ ऑन पैसिव, अपने पहले पेड प्रोडक्ट यानी कि ओ कनेक्ट को ग्लोबल मार्केट में रिलीज करने जा रही है। तो इसलिए यहां पर अब ये कल का जो हमारा जो शो होने वाला है वाकई में बहुत दमदार शो होने वाला है, इसलिए हम सब लोगों ने थोड़ा सा वेट किया। और इसलिए यहां पे जो कार्ड वाला जो सिस्टम आपने देखा है कि इस समय वो कार्ड वाला सिस्टम भी नहीं है, डेबिट कार्ड एंड मास्टर कार्ड वीजा कार्ड ये वाला जो सिस्टम है वो अभी कंपनी ने जो है पूरी तरीके से डिसेबल कर रखा है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही ये ग्लोबल लॉन्च होगा उसके बाद ये कार्ड वाला सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती है कि कस्टमर को जो है किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी आए।
अगर कस्टमर को भी कोई ना कोई परेशानी अगर आती रहेगी तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी जो है परेशान होंगे और परेशान होकर के बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं और वो उसको परचेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर को किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। उनको एक बार में ही बस क्लिक करें परचेज हो जाए, क्लिक करें परचेज हो जाए। तो इस टाइप से उनको बस एक ही क्लिक में उसका आंसर मिल जाना चाहिए। ये नहीं है कि बस कहीं पेंडिंग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, पेमेंट कट गया। उनको ये सारी चीजें जो है समझ में नहीं आती कस्टमर के लिए। तो इसलिए कस्टमर से कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए यहां पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी को जो है ध्यान में रखा गया। और आज आपको पता है कि 6 तारीख हो चुकी है एंड 6 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक आपको बताया कि 6 दिन में हमारा जो ओकरेक्ट है पेड वाला वो अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुका है। अब जो यहाँ पे हमारा जो कार्ड वाला सिस्टम है, अब जो नया फिर से अपडेट होकर के जो आ रहा है, जी हाँ अपडेट होकर के आ रहा है, तो उसमें अब बहुत ज्यादा फास्टली वो काम करने वाला है। अभी कुछ लोगों के बीच में एक गलतफहमी और भी फैल गई थी, अरे कार्ड वाला सिस्टम जो है गायब हो गया, कार्ड वाला सिस्टम गायब हो गया, अब तो केवल क्रिप्टो से ही हम अपना ओ कनेक्ट को परचेज कर पाएंगे। अब जिसके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी वो किससे परचेज करेंगे? सो इस टाइप की कुछ गलतफहमी जो है लोगों के बीच में फैला दी, मिसगाइड लोगों ने कर दिए। और ये मिसगाइड करने वाले कौन है पता है? मिसगाइड करने वाले वही हैं जो पहले से ही हमेशा मिसगाइड करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका बाद में देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसगाइड करता है तो आपको खुद अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जो है काम लेना है। ओके सो यहाँ पे एक सवाल और भी है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके वॉलेट के अंदर 10 कॉइंस दिखाई दे रहे हैं और आपको 97 क्रेडिट वापस नहीं आए हैं कंपनी की तरफ से, $97 वापस नहीं आए हैं कंपनी की तरफ से, तो आपको अपना सिस्टम यानी कि अपना जो इकोसिस्टम है, आपकी जो आईडी बनी है इकोसिस्टम में, उसको चेक करने की जरूरत है कहीं आपकी आईडी कस्टमर में तो नहीं चली गई है, इसलिए आपको वहां पे $97 नहीं आए हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज चेक करने की जरूरत है। अगर आप सही तरीके से हर तरीके से आप श्योर हो जाते हैं, चेक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर तो टेक्निकल फॉल्ट है वो आ जाएगा। अगर आपको कोई एक मिस्टेक मिल जाती है, प्रोफाइल के नीचे आपको डिलीट बटन मिल जाता है या आपका ओ फाउंडर का साइन नहीं मिलता है, तो आपको यहां पर उस अकाउंट को डिलीट करके दोबारा से साइन अप करने की जरूरत है, एज ए फाउंडर साइन अप करने की आपको जरूरत है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कल का जो हमारा वेबिनार है, कल का जो इवेंट है, कल का जो एक बुर्ज खलीफा के ऊपर जो हमारा ओ कनेक्ट ग्लोबली पूरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, उसके लिए आप भी जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए और हैप्पी रहिए। और हमेशा बस इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि आप एक अकेले पर्सन है, यानी कि आप एक सिंगल फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पे कोई भी सिंगल फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ये बुर्ज खलीफा पे जो शो हो रहा है ना, यही शो यहां से ही लाखों करोड़ों यूजर जो है आने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी मार्केटिंग चलेंगी जहां से एक भी फाउंडिंग मेंबर जो है यहां पे जीरो नहीं रहेगा। ओके सो इसके अलावा और भी क्या प्लानिंग होगी हमारे एसपीफार सर की, वो तो बाद में आके हमें पता चली जाएंगी, लेकिन जीत सभी की पक्की है। ओके तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सुनिट टू विन इट।